सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन ज्ञान वर्नर यूट्यूब चैनल। तो देखो यार, 30,000 का जो बजट रहता है वो एक ऐसा क्राइटेरिया है जहाँ पे आपको ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जो कि स्पेशली टारगेटेड होते हैं परफॉर्मेंस को, लाइक यहाँ पर पोको F5 हो गया, पोको X6 प्रो हो गया। तो जब भी आप इसके अंदर गेमिंग वगैरह करोगे या फिर कोई ऐसे टास्क करोगे जो कि काफ़ी हैवी होंगे, तो आपको कुछ ऐसा फील होगा। और जब भी आप इन फोन्स की जो है वो कैमरा क्वालिटी चेक करोगे, देन आपको कुछ ऐसा फील होगा, ये तो टट्टी है। तो रीजन भी बता देता हूँ क्यों। देखो यार, 30,000 का जो बजट रहता है वो एक ऐसा बजट है जहाँ पर आपको एक परफेक्ट स्मार्टफोन कभी भी नहीं मिल सकता। बट अगर आपके पास एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि स्पेशली टारगेटेड है परफॉर्मेंस को, देन उसको आप एक परफेक्ट स्मार्टफोन डेफिनेटली बना सकते हो। बताता हूँ कैसे। बट उससे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो वीवो के स्मार्टफोन है, ओप्पो के स्मार्टफोन है, रियलमी के स्मार्टफोन है, अंडर 30 के ऐसे स्मार्टफोन है जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है वो मतलब इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, बट कैमरे उनके जो है वो अच्छे रहते हैं। बट फिर भी अपने को एक स्मार्टफोन चाहिए जो कि परफेक्ट हो, उसके अंदर परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, यानी कि जरूरी होनी चाहिए। सो पोको की सीरीज में यहाँ पर मेरे पास एक फोन है पोको का F5, और इसके अंदर मैं जो वीडियो है वो बना रहा हूँ इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है, और यहाँ पर मैंने एक ऐसा कैमरा जो इंस्टॉल किया है, यानी कि इससे पहले मैंने ऑल दो 15 से 20 कैमरे इंस्टॉल करके देखे हैं जिसके अंदर मेरे को कैसी परफॉर्मेंस मिली है कैसी नहीं। उसके बाद में मैंने जो है वो ये फाइनल कैमरा है वो सजेस्ट किया है आप सभी के लिए। अब देखो, ये जो कैमरा है वो एजीएस का कैमरा है, वर्जन 9.2 है इसका। और ये जो कैमरा है वो स्पेशली यहाँ पर मैंने इसी फोन के लिए देखा है, और ये और किसी स्मार्टफोन पे वर्क नहीं करेगा। अगर आपको दूसरे स्मार्टफोन का चाहिए, देन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब इस स्मार्टफोन में क्या है, ये जो कैमरा है ये इकलौता एक ऐसा कैमरा है जहाँ पे आपको पोर्ट्रेट अच्छे से वर्किंग देखने मिलता है, फोटोज, नाइट शॉट, पैनोरमा और फोटोस्पेयर, ये सब फीचर है वो अच्छे से वर्किंग, यानी कि फोटोस्पेयर के अंदर आप 360 डिग्री जो फोटो है वो क्रिएट कर सकते हो। सेकंड चीज, इसके अंदर यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर FHD में यहाँ पर 24:30 and 60, 4K के अंदर यहाँ पर आपको 24:30 and 60 FPS जो है वर्किंग देखने मिलती है। हालांकि देखो, इसके अंदर 8K का जो है वो ऑप्शन है, बट 8K वर्किंग नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैं उतना रेकमेंड नहीं करता। बट स्लो मोशन वगैरह हो गए, टाइम स्लैप हो गए, सब इतने अच्छे से वर्किंग है भाई, डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। और ये जो कैमरा है वो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा जहाँ पे आप अलग अलग कॉन्फिग वगैरह ट्राई कर सकते हो, और जितनी भी फोटोज हैं उनकी आप क्वालिटी चेक कर लेना। मैंने यहाँ पर अलग अलग जगह पे फोटो क्लिक की है, नाइट शॉट वगैरह क्लिक किए हैं, आप एक एक फोटो की क्वालिटी जो है वो जी ड्राइव के थ्रू देख सकते हो। मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो ये तो बात है जी कैम के कैमरा की। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो ध्यान रहे, मैं ये जो बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पोको F5 डिवाइस के लिए, बट अगर आपके पास कोई दूसरा स्मार्टफोन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपके डिवाइस के लिए कोई भी जी कैम अवेलेबल हुआ, देन डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ओपन करना है अपना क्रोम ब्राउजर, उसके बाद में आपको ये वाली साइट जो sigmakhabar.blogspot.com, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट पोस्ट देखने मिलेगी, बेस्ट जी कैम एवर फॉर पोको F5। अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई और ऑप्शन देखने को मिल सकता है, बट आप नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पर ये वाली पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, बेस्ट जी कैम एवर फॉर पोको F5। इस पे क्लिक करना है, उसके बाद में मैंने यहाँ पर गाइड वीडियो के थ्रू जो अभी आप देख रहे हो वो मैंने बता रखा है, और अगर आपको यहाँ पर इसके टेक्स्ट के थ्रू जो है वो गाइडेंस चाहिए, देन मैंने वो भी बता रखा है। तो यहाँ पर ये टोटल 7 स्टेप है, उसको आप फॉलो करो अच्छे से। अगर आप फॉलो करते हो इन स्टेप्स को, देन डेफिनेटली आप जो है वो इंस्टॉल कर पाओगे। अब इनके लिए जो प्रोवाइडेड आइटम्स है, यानी कि APK है या फिर फाइल्स जो है, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी यहाँ पे नीचे, ये है डाउनलोड ऑल रिक्वायर्ड फाइल क्लिक हियर। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आपकी जो F5 के जी कैम के लिए जितनी भी फाइल्स है वो यहाँ पर डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप डाउनलोड करते हो तो इसका जो साइज रहता है वो 301 MB है, बट आप इसको जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसका जो साइज है वो 450 MB के आसपास चला जाएगा। तो ये तो रही बात इसकी। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेते हो, करने के बाद में फाइल मैनेजर पे जाओ, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो है वो ये जो ऐप आपने डाउनलोड किया है, ये जो आपने जिप फाइल डाउनलोड की, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप इसके अंदर टोटल जो है वो 5 फाइल या फिर आइटम देखने को मिलेंगे। एक फोल्डर है यहाँ पर लोटस नाम से, बाकी के यहाँ पर एक APK है AGS by ज्ञानवर्नर, और एक यहाँ पर लोगो है, एक नूब वर्जन 3.0 की यहाँ पर कॉन्फिग फाइल है, और एक यहाँ पर पोको F5 by ज्ञानवर्नर की .xml के अंदर जो है इसकी कॉन्फिग फाइल है। यहाँ पर आपको करना क्या, वो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है वो AGS का कैमरा इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद में इसको जो है वो स्टोरेज की परमिशन दे देनी है, सो दैट कि ये जो अपना एक फोल्डर है वो स्टोरेज के अंदर क्रिएट कर ले। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो नूब वर्जन 3.0 इसको और पोको F5 by ज्ञानवर्नर इसको है वो यहाँ पर कर लेना है कॉपी, इन दोनों फाइल्स को। उसके बाद में इंटरनल शेयर स्टोरेज पे जाना है, डाउनलोड पे जाना है, और जहाँ पे AGC.9.2 इस फोल्डर देखने मिल रहा है इस पर क्लिक करो, कॉन्फिग पे आके यहाँ पे आपको जो है वो पेस्ट कर देनी है।
अब जैसे आप इसको पेस्ट कर दोगे उसके बाद वापस से बैक आओ, फिर से बैक आओ एंड उसके बाद में यहाँ पर वापस से अपने डाउनलोडेड फोल्डर के अंदर जाओ। उसके बाद में यहाँ पर आपको लोटस पे जाना है और ये जितनी भी फाइल है इसको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको इनको कर लेना है कॉपी। उसके बाद में फिर से इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज पे जाओ, डाउनलोड पे जाओ, AGC 9.2 पे जाओ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फोल्डर लोटस नाम से, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर जो भी फाइलें हैं उन सबको कर दो पेस्ट। जैसे आप ये सब कर लेते हो उसके बाद में लोगो आपको पेस्ट करना है वो आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ पर एपो करके दिखा देता हूँ एक बार। लोगो जो है .png पे इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज पे जाओ, डाउनलोड में जाओ, AGC 9.2 पे जाओ, लोगोस पे क्लिक करो, यहाँ पर इसको कर दो पेस्ट। और जैसे आप ये सब कर लेते हो उसके बाद में अपने जितने भी बैकग्राउंड में डाटा सबको क्लियर करो एंड एंजॉय द बेस्ट जीकेम एवर इन योर पोको F5। ये तो बात रही अपने इस पोको F5 की। बाकी अगर आपके पास कोई और डिवाइस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। वहाँ पे जाके जो है वो आप मेरे को बताओ आपके पास कौन सा डिवाइस है, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है। अगर आपके डिवाइस के लिए मेरे पास कोई भी जीकेम अवेलेबल हुआ तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँ कि आपको प्रोवाइड करूँ विद बेस्ट कॉन्फिग फाइल। तो हाँ, ये था आज का वीडियो। बाकी वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।